गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 एंड 30th ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो रोज़ की तरह पहले हम अपना करंट अफेयर्स का सेशन करेंगे आज का, और उसके बाद फिर हम अपने रिविज़न सेशन में चलेंगे और एट लास्ट आपकी क्विज़ रहेगी। ठीक है, रिविज़न सेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको मैं बता दूँ कि हमने पिछले 16 लेक्चर्स में दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स पूरा पूरा रिवाइज किया है, जिसमें हमने दिसंबर मंथ से 240 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले थे और डेली 15 क्वेश्चन करके हमने इसको 16 सेशन में कंप्लीट किया है। ठीक है, और इसी तरह हम नवंबर मंथ के लिए भी प्रोसीड करेंगे। आज इसका पार्ट वन रहेगा, मतलब आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द G20 वर्किंग ग्रुप ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी मीटिंग? आपको बताना है कि जो G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ऑन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है। तो ये वर्कशॉप ऑन G20 एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ऑर्गेनाइज की जाएगी बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, और ये पहली मीटिंग है G20 वर्किंग ग्रुप की जो कि एनवायरमेंट और क्लाइमेट के ऊपर बेस्ड रहेगी। और कब होगी ये? बेंगलुरु में फरवरी 2023 में, मतलब अगले महीने। ठीक है, इसमें जो है फोकस किया जाएगा लैंड डिग्रेडेशन को एक बार फिर से टैकल करने के लिए, डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने के लिए और हमारी बायोडाइवर्सिटी को इन्हेंस करने के लिए। फाइन, देखिए क्वेश्चन और इससे घुमा के थोड़ा पूछ सकते हैं कि कौन सी सिटी होस्ट है G20 की पहली इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग की। तो याद रखिएगा ये सिटी है बेंगलुरु, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें लैंड डिग्रेडेशन वगैरह के टॉपिक्स पे डिस्कस किया जाएगा। तो डेलीगेट्स जो है वो विजिट करेंगे बेंगलुरु सिटी को अगले महीने इस पर्टिकुलर इवेंट को अटेंड करने के लिए। फाइन, नेक्स्ट है, नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनल विथ मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? आपको बताना है कि ये जो बैंक कैनल है जहाँ पे मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम्स क्रिएट किए गए हैं, हाल ही में इसको हमने कौन से स्टेट में इनॉग्रेट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो कि वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं उनको हाल ही में इनॉग्रेट किया है कर्नाटका के स्टेट में। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट रिलेटेड हैं वाटर सिक्योरिटी से। इसके अलावा फार्मर्स जो वहाँ पे रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए, और साथ ही रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो सके कर्नाटका में इसके लिए। ठीक है, तो इसी पर्पज़ में इन्होंने नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनल को लॉन्च किया है जिसमें मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम मौजूद है। कहाँ पे किया है? एट यादगीर कर्नाटका, ये जो है नॉर्थ कर्नाटका में लाई करता है। इसकी लागत कितनी रहेगी इस प्रोजेक्ट की? 4699 करोड़ रुपीज़। और इसकी हेल्प से 5 लाख हेक्टेयर्स तक की लैंड को इरिगेट किया जाएगा जो कि मौजूद है बैकवर्ड रीजन्स में यादगीर, रायचूर और कलबुर्गी के। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटका स्टेट। ठीक है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। हाल ही में इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। क्या रीज़न था? ताकि ये सेटअप कर सकें एक सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनमी एंड कनेक्टिविटी। ठीक है, और ये सेंटर कहाँ पे सेटअप होगा? नई दिल्ली में। फाइन, तो इन केस अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनमी एंड कनेक्टिविटी कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में सेटअप किया जा रहा है, तो ये है नई दिल्ली। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023? आपको बताना है कि जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2023 की, उसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट है। तो होस्ट है इसके लिए अस्ताना, जो कि कैपिटल सिटी है कजाकिस्तान कंट्री की। ठीक है, और कब से कब तक होगी ये? अप्रैल या फिर मई में 2023 के। और याद रखिएगा जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है मैग्नस कार्लसन, ये 2023 के फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही, याद रखिएगा। इसके लिए वेन्यू कौन सी कंट्री है? तो ये कंट्री है कजाकिस्तान। ठीक, इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे टोटल 21 आइलैंड्स ऐसे हैं जिनका नाम परमवीर चक्र अवार्डीज के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, रीज़न क्या है? उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट पे करने के लिए, क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं।
और ये मूव इन्होंने लिया है पराक्रम दिवस के दिन, जो कि आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन का एम क्या है, जो बर्थ एनिवर्सरी है हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, उसको मार्क करना। फाइन, तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो अंडमान एंड निकोबार के 21 आइलैंड्स हैं उनको किन अवार्डीज के नाम पर रीनेम करने का सोचा है, तो याद रखिएगा ये हैं परमवीर चक्र के अवार्डीज। नेक्स्ट है, हु इज द विनर ऑफ द बहरेन्स ISA अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी हिमालयन कैटोरैक्ट प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि बहरेन का ISA अवार्ड किसको दिया गया है। ये हैं डॉक्टर संदूक रोहित, इनको दिया गया है बहरेन का ISA अवार्ड इनकी सर्विस के लिए टू ह्यूमैनिटी। और याद रखिएगा ये जो है बहरेन का टॉप सिविलियन अवार्ड होता है, ठीक है। इस अवार्ड में बेसिकली कैश प्राइज रहता है $1 million का, इसके अलावा एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट रहता है और एक गोल्ड मेडल रहता है, ठीक है। और इनकी अगर बात करें संदूक रोहित की, तो ये पद्मश्री अवार्डी भी रह चुके हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट। इसके अलावा इनको नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट भी मिला था भूटान कंट्री का, साथ ही ये रेमन मैक्सेसे के भी विनर रह चुके हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा डॉक्टर संदूक रोहित को बहरीन का टॉप सिविलियन अवार्ड हाल ही में दिया गया है। और कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, तो ये हैं नेपाल से। नेक्स्ट है, विच स्टेट इज टू सेटअप अ टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। आपको बताना है कि कौन सा स्टेट है जो एक टर्टल कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सेटअप करने वाला है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक टर्टल कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर सेटअप करेंगे चेन्नई सिटी में, ठीक है। कितनी लागत के साथ, 6.3 crore rupees। और ये जो सेंटर है ये सेटअप किया जाएगा गुंडी नेशनल पार्क में, जिसमें डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज मौजूद होंगी, लाइक टर्टल पूल होगा यहाँ पे, शेड होगा इनका, एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हैं कि टर्टल्स के लिए टेम्प्रेरी होम के तौर पे तैयार किया जा रहा है, ताकि जो भी इंजर्ड टर्टल्स हैं उनको यहाँ पे पहले लेके आया जाए, उनकी देखरेख की जाए, जब वो ठीक हो जाएं तो उनको फिर से वापस उनके नेचुरल हैबिटेट में डाला जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक टर्टल कंजर्वेशन और रिहैबिलिटेशन सेंटर सेटअप करेंगे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द शुगर सीजन इन 2021-22 विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ शुगर। इस सीजन में आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूसर कंट्री रही, साथ ही कंज्यूमर भी रही, मतलब उसने सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस की इस सीजन में और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा किया। ये है इंडिया। इंडिया ने 500,000 metric tons शुगर केन प्रोड्यूस किया है इन द शुगर सीजन 2021-22, और इस दौरान इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर रहा शुगर का। इसके अलावा हम दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं शुगर के, ठीक है। फर्स्ट कौन सी कंट्री है, सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी कंट्री एक्सपोर्ट करती है, तो ये कंट्री है ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील के बाद हम सेकेंड नंबर पे हैं, और खाने और पैदावार के मामले में हम टॉप पोजीशन पे हैं, फाइन। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ वाटर कंजर्वेशन स्कीम टू रेनोवेट ओवर 2000 पॉन्ड्स एंड कंस्ट्रक्ट ओवर 2000 परकोलेशन टैंक्स। आपको बताना है कि कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम को लॉन्च किया है, जिसमें डिसाइड हुआ है कि 2000 पॉन्ड्स को रेनोवेट किया जाएगा, साथ ही 2000 परकोलेशन टैंक्स को बनाया जाएगा। ये है झारखंड गवर्नमेंट, ठीक है। और इस स्कीम के लिए इन्होंने कितनी लागत रखी है, 467.32 crore rupees। और इसकी वजह से उन फार्मर्स को बेनिफिट होगा स्टेट में जो कि ड्रॉट से सफ़र कर चुके हैं पिछले साल, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में टोटल 2133 पॉन्ड्स जो हैं इनको रेनोवेट किया जाएगा, 2795 परकोलेशन टैंक्स को बनाया जाएगा, सभी झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में, फाइन। तो ध्यान में रखिएगा कि ये वाटर कंजर्वेशन स्कीम है झारखंड स्टेट गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोम्पेन ट्राइब ऑफ पीपल विच वर सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली आर लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। आपको बताना है कि जो शोम्पेन ट्राइब है वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में रहती है। एक्चुअली हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप, जिसमें कि लगभग 100 फॉर्मर सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है, उसमें इन्होंने
जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है इन द ग्रेटर निकोबार आइलैंड, उसको लेके प्रोटेस्ट किया है, उसको लेके नाराजगी थोड़ी सी जताई है। ठीक है, एक्चुअली हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि जो हमारी यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्लियरेंस दे दिया था कि 130.75 स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में, उसको आप डाइवर्स कर सकते हैं इस 72,000 करोड़ रुपीस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ट्रांस शिपमेंट पोर्ट बनेगा, एक एयरपोर्ट रहेगा, पावर प्लांट रहेगा, साथ ही ग्रीन फील्ड टाउनशिप क्रिएट की जाएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है इनका, है तो ये मल्टीपर्पज़ और बड़ा प्रोजेक्ट है, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी वजह से जो एक्सट्रीमली वल्नरेबल शोमपेन ट्राइब है वो जो है डिस्प्लेस हो जाएगी पूरे तरीके से, राइट? तो यही रीज़न है कि इन्होंने इस पर नाराज़गी जताई है। तो याद रखिएगा, शोमपेन ट्राइब कहाँ रहती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चे में है। देखिए, एक चीज़ और आजकल काफ़ी चर्चे में है, आपने सुना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में डायरेक्शंस जारी किए थे कि जो BBC डॉक्यूमेंट्री है प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, उसको ब्लॉक किया जाए। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ये डायरेक्शंस दिए थे कि जो फर्स्ट एपिसोड है BBC डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन का, उसको यूट्यूब पर टोटली ब्लॉक कर दिया जाए। ठीक है, और 50 ट्वीट जो कि इन वीडियोज से रिलेटेड थे उनको भी ब्लॉक किया गया है। साथ ही जो डायरेक्शंस दिए हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने यूट्यूब एंड ट्विटर पे ये डॉक्यूमेंट्री ब्लॉक करने के लिए, ये इन्होंने अपना इमरजेंसी पावर का यूज़ करते हुए ये ऑर्डर्स जारी किए हैं अंडर द IT रूल्स 2021। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने डायरेक्शंस दी हैं PPC डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के लिए ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो किस रूल के अंतर्गत किया गया है, तो याद रखिएगा ये है IT रूल्स 2021। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड पर हाउस होल्ड अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम एज ऑफ 2022। आपको बताना है कि 2022 की अगर बात करें तो एवरेज कितने दिनों का काम इस स्कीम के अंदर में गारंटी किया जाता है। तो इस स्कीम में फिलहाल जो एवरेज डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो सिर्फ 42 डेज का है, और ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा कम रहा। ठीक है, तो जनवरी तक अगर हम देखें तो सिर्फ 42 डेज है। इसके अलावा 2021 टू 22 में ये डेटा था 50 डेज का। इसके अलावा 2020 से लेके 21 वाला फिगर अगर हम देखें तो ये था 52 डेज। फिर और पीछे जाएं अगर 2019 से 20 में तो ये था 48 डेज। फिर इसके बाद था 2018 से 19 में अगर हम बात करें तो 51 डेज। ठीक है, तो इन 5 सालों में सबसे कम अभी इस वाले साल में रहा। ठीक है, तो जो जॉब्स की डिमांड है इस स्कीम के अंदर में, उसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। फाइन, तो याद रखिएगा इस स्कीम में 42 डेज का जो काम है वो गारंटी किया जाता है, और ये एक एवरेज डेटा है। फाइन, नेक्स्ट है, यूनेस्को डेडिकेटेड दिस ईयर्स इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन टू द गर्ल्स एंड वुमेन ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है कि जो इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है उसको यूनेस्को ने किस कंट्री के गर्ल्स और वुमेन को डेडिकेट किया है। तो इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन है ये यूनेस्को ने डेडिकेट किया है अफगानिस्तान की लड़कियां और वहां की वुमेन के लिए। ठीक है, और ये यूनेस्को ने किया है ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कब मनाते हैं इसको हम? 24 जनवरी को। एक्चुअली यूनेस्को एक इवेंट भी होस्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और जो पहला पैनल डिस्कशन है वो टोटली जो अफगानिस्तान की गर्ल्स और वुमेन हैं उनकी एजुकेशन के लिए डिवोटेड रहेगा, और यूनेस्को ने इसके लिए डिसाइड किया है कि वो इमीडिएटली रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन को अफगानिस्तान में। ठीक है, एक्चुअली दिक्कत क्या है, 2.5 मिलियन अफगान गर्ल्स ऐसी हैं जो स्कूल जाती थीं और अब वो स्कूल नहीं जाती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ की जो फीमेल पॉपुलेशन है उसका 80% ऐसा है जो कि अब स्कूल से बाहर निकल के सिर्फ घरों में बैठ चुके हैं। फाइन, नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिलीज द हॉकी एंड इंडिया अ गोल्डन लेगेसी बुक बाय स्पोर्ट्स स्टार ऑन इंडियन हॉकी। आपको बताना है कि ये बुक कौन से स्टेट ने हाल ही में लॉन्च करी है। तो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने इस पब्लिकेशन को हाल ही में रिलीज़ किया है। इसमें टोटल 192 पेजेस हैं। सिंपली आपसे बस ये टाइटल देके पूछ सकते हैं कि ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है। याद रखिएगा, उड़ीसा स्टेट से। लास्ट क्वेश्चन है, अलेना रायबकीना
who eliminated world number one Iga Swiatek in the Australian Open is from which country? Elena Rybakina, जो कि कजाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करती हैं, हाल ही में इन्होंने Iga Swiatek को ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में हरा दिया था. तो यहाँ पे बस सिंपली पूछ रहे हैं कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं. तो यहाँ मैंने आपको पहले बता दिया, ये कजाकिस्तान कंट्री से बिलोंग करती हैं और विंबलडन चैम्पियन भी हैं साथ ही. इसके अलावा Iga Swiatek के बारे में अगर बात करें तो ये एक पॉलिश प्लेयर है, मतलब पोलैंड से बिलोंग करती हैं. फाइन. और Iga Swiatek ने बहुत सारे टाइटल्स जीते हैं इस साल, लाइक फ्रेंच ओपन, US ओपन एट्सेट्रा. ये 2022 की बात कर रहे हैं. और 3-time मेजर चैंपियन भी हैं Iga Swiatek. ठीक है, तो Elena Rybakina कजाकिस्तान से हैं और Iga Swiatek पोलैंड से हैं. किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि Elena Rybakina ने क्वार्टर फाइनल्स में Iga Swiatek को हराया है. फाइन. तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारे नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स रिवीजन की तरफ, जिसमें आज हम पार्ट 1 देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक. ठीक है. अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट्स में फिर मेंशन कर रहे थे कि आप सितंबर मंथ का मत कराइए, पहले आप नवंबर मंथ का चाह रहे थे, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, नवंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए. ठीक है, तो दिसंबर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, नवंबर करेंगे और उसके बाद तब तक फरवरी आ जाएगा, तो आई थिंक इसके बाद हम लोग जनवरी कर लेंगे पहले. ठीक है, 3 महीने के हो जाएंगे, इसके बाद हम लोग अक्टूबर की तरफ चलेंगे. फाइन. चलिए हम नवंबर मंथ को आज इनॉग्रेट करते हैं. Which country's president is mandated to bring out the national security strategy? कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं जिनको मैंडेटरी तौर पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लाना होता है? तो कुछ दिनों पहले US ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लॉन्च किया था और सभी US प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी खुद की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लेके आए. ठीक है. एज पर द RBI एक्ट, द सेंट्रल बैंक हैज़ टू सेंड अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर टू मेंटेन इन्फ्लेशन टारगेट फॉर हाउ मेनी क्वार्टर्स. आपसे पूछ रहे हैं कि RBI एक्ट के मुताबिक कितने क्वार्टर्स तक अगर इन्फ्लेशन टारगेट मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो फिर सेंट्रल बैंक को, गवर्नमेंट को कोई रिपोर्ट सेंड करनी पड़ती है एक्सप्लेनेशन देने के लिए. तो RBI एक्ट के मुताबिक सेंट्रल बैंक को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट के पास अगर इन्फ्लेशन टारगेट 3 consecutive क्वार्टर्स तक मेंटेन नहीं हो पाता है. ठीक है, तो उसमें जो है एक्सप्लेन करते हैं रीजंस कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से टारगेट मेंटेन नहीं हो पाया, साथ ही अब हम क्या आगे रेमेडियल एक्शंस ले सकते हैं. फाइन. प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट इन विच स्टेट. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया है मेज गार्डन एंड मियावाकी फॉरेस्ट को, कहाँ पे? एकता नगर, गुजरात स्टेट में. विच इंडियन सिटी होस्ट द 4th बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल इन 2022? तो जो चौथा एडिशन है बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल का, ये हुआ था कोलकाता सिटी में और ये चौथी बार है जब बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ है. व्हेन इज़ द वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30th of October को. किस लिए? ताकि इस दिन लोगों को रिमाइंड किया जाए कि सेविंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जो वेल्थ की इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात की जाती है. ठीक है, थीम क्या थी इस साल के लिए? सेविंग prepares you for the future. ये थीम थी. ठीक है, नेक्स्ट है, which union ministry signed memorandum of understanding with FIFA and AIFF to implement football for schools initiative in India? तो union education ministry ने ये agreement sign किया था FIFA and AIFF के साथ football for school initiative को implement करने के लिए India में. ठीक है, और इस program से होगा क्या? ये एक तरह का पॉजिटिव टूल है जो कि बच्चों को इंस्पायर करेगा कि वो स्पोर्ट के साथ साथ स्टडीज़ में आगे रहें. ठीक है, सत्यक सिराज रानकीरेड्डी एंड चिराग शेट्टी द फर्स्ट इंडियन पेयर टू विन अ सुपर 750 टूर्नामेंट प्लेस विच स्पोर्ट. तो नवंबर मंथ में हमने देखा था कि इन्होंने जीता था फ्रेंच ओपन सुपर 750 टाइटल और ये जो है बैडमिंटन से एसोसिएटेड हैं. किसको हरा के जीता था? चाइनीज पेयर को. What is the TB incidence of India per 1 lakh population for the year 2021 as per the Global TB Report 2022? तो World Health Organization ने Global TB Report को release किया था जिसमें कि COVID-19 pandemic के जो impact थे उसके बारे में बात की गई थी और India का जो TB case है 2021 के लिए वो 210 है per 1 lakh people. ठीक है, Which state government signed memorandum of understanding with क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
for micro and small enterprises to facilitate flow of credit to MSME borrowers. तो ये जो है साइन किया है मेघालय स्टेट की गवर्नमेंट ने, ताकि जो MSME सेक्टर है हमारा उसके लिए फ्लो ऑफ क्रेडिट आसान हो सके. ठीक है. पूसा नरेंद्र काला नमक विच वॉज टेस्टेड रिसेंटली इज अ वेराइटी ऑफ विच क्रॉप. तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सक्सेसफुली टेस्ट किया दो नई वेराइटी राइस की हाल ही में. ठीक है. और उसी का नाम था पूसा नरेंद्र काला नमक. इसकी एक वेराइटी का नाम था 1638, दूसरी थी 1652. काला नमक से आपको लग रहा होगा ये साल्ट की वेराइटी है, लेकिन नहीं, ये पैडी की वेराइटी है. राइस करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है, विच कंट्री इज द विनर ऑफ द 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप. इसके लिए विनर कौन सी कंट्री है आपको ये बताना है. तो स्पेन ने ये कप जीता था, किसको हरा के? कोलंबिया कंट्री को हरा के. ठीक है. विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडिया केम 2022 कॉन्फ्रेंस. कौन से मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया केम 2022 को प्रगति मैदान में, जो कि है नई दिल्ली में. ठीक है. और थीम क्या था इसके लिए? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया. ये पूरी थीम थी. ठीक है. व्हाट इज द थीम ऑफ द इंडिया वाटर वीक 2022? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 7th एडिशन इंडिया वाटर वीक का इनॉग्रेट किया था नवंबर में एट द इंडिया एक्सपो सेंटर, कहाँ पे? इन ग्रेटर नोएडा. और इसको सेलिब्रेट किया हमने फ्रॉम 1st to 5th of November. थीम क्या रखी गई थी? वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटी. ओके. विच कंट्री हैज बीन हिट बाय द ट्रॉपिकल स्टॉर्म नालगे. कौन सी कंट्री है जो नालगे से हिट हुई थी? ये कंट्री है फिलीपींस. विच रेसिंग ड्राइवर वन द मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल. ये जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने. सेकेंड पे थे इसमें लुइस हैमिल्टन और थर्ड थे सर्जियो पेरेस. फाइन. तो ये थे हमारे दिसंबर मंथ के 1st 15 क्वेश्चंस जो आज हमने कवर कर लिए. कल हम देखेंगे 16 से लेके 30 तक. ठीक है. और कमेंट्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आप नवंबर मंथ को कितना एंजॉय कर रहे हैं. और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जिस तरह से आप दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स के लिए कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उसी तरह नवंबर मंथ भी हम पूरा रिवाइज करेंगे अच्छे से. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं या उनकी प्रोबेबिलिटी आने की सबसे ज़्यादा है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर पिक किया जा रहा है. तो नवंबर मंथ आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्जाम में पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और एग्जामिनर को पता होता है कि आप रिसेंट करंट अफेयर्स पढ़ के आए हैं, तो कभी कभी वो पुराने करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर लेते हैं. ठीक है. तो हमें पूरा 5-6 महीने का पढ़ के जाना है, ताकि हमारा करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन मिस ना होने पाए. फाइन. चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं. ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है. तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं. विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. Till then, stay tuned. Thank you so much for watching. And please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Sahasrana signing off.